देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है और साथ में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है या नहीं, इस पर भी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। लेकिन अब भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक कोवैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया है, वहीं खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह 65.2% असरदार है। तीसरे चरण के ट्रायल में कुल 24,419 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें से 12,221 लोगों को असली वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए थे और 12,198 लोगों को प्लेसिबो दी गई थी। कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना की अन्य वैक्सीन की तुलना में कोवैक्सीन में हानिकारक प्रभावों को कम देखा गया है। भारत बायोटेक ने इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने बताया है कि कोवैक्सीन COVID-19 के लक्षणों वाले गंभीर मामलों पर 93.4% असरदार है, जबकि 130 मामलों के मूल्यांकन के जरिए वैक्सीन 77.8% असरदार है। इनमें से 24 मामलों को वैक्सीन और 106 को प्लेसिबो समूह में शामिल किया गया था। तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले 16,973 लोगों को दोनों डोज यानी असली वैक्सीन और प्लेसिबो देने के बाद कम से कम 2 हफ्तों तक उनके सेहत पर नजर रखी गई। इस फॉलो अप में पाया गया कि 130 वॉलंटियर को कोविड संक्रमण हुआ, इनमें से 24 लोग ऐसे थे जिन्हें असली वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद कोरोना हुआ था, वहीं 124 वॉलंटियर्स को प्लेसिबो लगने के बाद कोरोना हुआ था। जिन 16 वॉलंटियर्स में गंभीर संक्रमण देखा गया उनमें से एक को असली वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए थे और बाकी 15 को प्लेसिबो। ट्रायल में 60 से ऊपर के लोगों पर कोवैक्सीन 67.8% प्रभावी है और 60 साल से कम उम्र के लोगों पर 79.4% प्रभावी है। कंपनी ने देश भर में 25 अलग अलग स्थानों पर कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल किए थे। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को वैक्सीन की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं मिली। तो वहीं कंपनी ने कोवैक्सीन को लेकर तीसरे ट्रायल में साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल के दौरान कुल 99 वॉलंटियर्स में गंभीर साइड इफेक्ट मिले। इनमें से 39 वॉलंटियर असली वैक्सीन वाले और 60 प्लेसिबो वाले थे। 12% लोगों में आम साइड इफेक्ट देखे गए थे, साथ ही गंभीर दुष्प्रभाव वाले 0.5% से कम थे। तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले 15 वॉलंटियर्स की मौत भी हुई है। इसे लेकर कंपनी ने जोर देकर कहा कि इनमें से किसी भी वॉलंटियर्स की मौत का कारण वैक्सीन या प्लेसिबो का साइड इफेक्ट नहीं था। 5 वॉलंटियर्स को असली वैक्सीन और 10 को प्लेसिबो दी गई थी। साथ ही मरने वाले 15 वॉलंटियर्स में से 6 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। इनमें से 1 को असली वैक्सीन और 5 को प्लेसिबो दिया गया था। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जिसमें qPCR टेस्टिंग के आधार पर बगैर लक्षणों वाले संक्रमण के खिलाफ बेहतर नतीजे दिए हैं। मार्च में जारी फेज 3 ट्रायल के अंतरिम नतीजों में बताया गया था कि कोवैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाने में 81% असरदार है। बता दें कि देश में अभी लोगों को 3 वैक्सीन दिए जा रहे हैं, जिनमें सीरम की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी। अब तक कुल 33,94,87,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। तो वहीं कई एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा के कारण तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच पहले तो आशंका जताई जा रही थी कि डेल्टा के खिलाफ कोवैक्सीन कारगर है या नहीं, लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि कोवैक्सीन डेल्टा के खिलाफ कारगर है। डेल्टा भारत में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट का नाम है। फिर भी डेल्टा के खिलाफ कोवैक्सीन के कारगर होने से लोगों को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलती है।